भगवान विष्णु के भक्त प्रह्लाद ने दैत्य कुल में जन्म लिया था। उनके माता पिता दैत्य कुल के थे। दैत्य कुल में जन्म लेने के पश्चात भी वो भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे, जिस कारण आज तक उनका नाम भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त के रूप में लिया जाता है। आज हम भक्त प्रह्लाद के जन्म से जुड़ी कथा, उसको अपने माता पिता से मिली यातनाएं, भगवान विष्णु के द्वारा हर बार उसकी रक्षा करना एवं अपने पिता की मृत्यु के पश्चात उसके जीवन के विषय में जानेंगे। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब प्रह्लाद अपनी माता कयाधु के गर्भ में था, तब उसके चाचा हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु के वराह अवतार ने वध कर दिया था। इससे कुंठित होकर उसके पिता हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने चले गए थे। इसके पश्चात दैत्य नगरी में हिरण्यकश्यप को ना पाकर देवताओं ने वहां आक्रमण कर दिया था। उन्होंने दैत्य नगरी पर अधिकार कर लिया तथा कयाधु को बंदी बना लिया। इंद्रदेव कयाधु को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाने लगे कि नारद मुनि ने उन्हें रोक लिया। नारद मुनि ने इंद्र से कहा कि तुम एक गर्भवती स्त्री पर अत्याचार नहीं कर सकते, और वो भी तब जब उसके गर्भ में भगवान विष्णु का भक्त पल रहा हो। इसके पश्चात नारद मुनि कयाधु को इंद्र के चंगुल से छुड़ाकर अपने आश्रम में ले आए तथा हिरण्यकश्यप की तपस्या पूर्ण होने तक अपने आश्रम में रखा। इस दौरान नारद मुनि कयाधु को हरि भजन सुनाते व भगवान विष्णु की कथाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करते। नारद मुनि के इन वचनों से सकारात्मक प्रभाव कयाधु के गर्भ में पल रहे अजन्मे प्रह्लाद पर भी पड़ रहा था। यही कारण था कि जब उसका जन्म हुआ तब वह भगवान विष्णु का भक्त बना। उससे पूर्व उसके चार बड़े भाई भी थे, जिनका जन्म दैत्य नगरी में ही हुआ था, किंतु उनमें से केवल प्रह्लाद ही विष्णु भक्ति में लीन रहता था। इसी बीच हिरण्यकश्यप की तपस्या समाप्त हो गई तथा भगवान ब्रह्मा से उसने तीनों लोकों में सर्वशक्तिशाली होने का वरदान प्राप्त कर लिया। इसके बाद वो पुनः अपनी दैत्य नगरी में वापस आ गया और वहां देवताओं का अधिकार हुए देखा। इसके बाद उसने अपने मिले वरदान से ना केवल दैत्य नगरी को वापस पाया, अपितु तीनों लोकों पर अधिकार स्थापित कर लिया और इंद्रदेव को स्वर्ग के आसन से अपदस्थ कर दिया। हिरण्यकश्यप की तपस्या समाप्त हो जाने और पुनः अपनी नगरी लौट आने की सूचना मिलने के पश्चात कयाधु और भक्त प्रह्लाद भी नारद मुनि से आशीर्वाद लेकर पुनः अपनी नगरी लौट गए। हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा से मिले वरदान के फल स्वरूप अति शक्तिशाली हो चुका था। इसी अहंकार में उसने विष्णु को भगवान मानने से मना कर दिया और स्वयं को भगवान की उपाधि दे दी। तीनों लोकों में जो कोई भी भगवान विष्णु की पूजा करता वो उसे मरवा देता, किंतु जब उसने अपने स्वयं के पुत्र को ही विष्णु भक्ति में लीन देखा तो क्रोध की अग्नि में जलने लगा। उसने अपने 5 वर्ष के छोटे से पुत्र प्रह्लाद को मारने की कई बार चेष्टा की, किंतु हर प्रयास असफल सिद्ध हुआ। उसने प्रह्लाद को पागल हाथियों के सामने फिकवा दिया ताकि वो उनके पैरों के नीचे कुचल के मारा जाए। सांपों से भरे कुएं में फिकवा दिया, ऊपर पर्वत की चोटी से नीचे खाई में फेंक दिया, बेड़िया बांधकर समुद्र में फिकवाया, अस्त्र शस्त्र से मरवाने का प्रयास किया, अपनी बहन होलिका के द्वारा अग्नि में जलवाने की कोशिश की, किंतु हर बार प्रह्लाद के प्राणों की रक्षा करनी
स्वयं भगवान विष्णु आ जाते। एक दिन जब हिरण्यकश्यप प्रह्लाद के ऊपर अत्याचार कर रहा था, तब भगवान विष्णु का क्रोध अत्यधिक बढ़ गया। उस समय उन्होंने अत्यंत भयानक रूप लिया, जो नरसिंह अवतार कहलाया। इस अवतार को धारण कर उन्होंने प्रह्लाद के पिता हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इसके पश्चात भगवान नरसिंह के क्रोध को भक्त प्रह्लाद ने शांत करवाया। भगवान नरसिंह ने भी अपने नन्हे से भक्त प्रह्लाद को बहुत स्नेह दिया तथा अपने पिता के राज सिंहासन पर स्थान दिया। प्रह्लाद की विष्णु भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे तीनों लोकों का राज्य प्रदान किया। इसके पश्चात भगवान नरसिंह पुनः भगवान विष्णु में समा गए। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात प्रह्लाद तीनों लोकों का राजा बन गया। दैत्य कुल से होते हुए भी उसने अहिंसा तथा धर्म का मार्ग अपनाया तथा सभी की रक्षा की। उसके राज्य में सभी प्रजा कुशल मंगल से रह रही थी। वो प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान करता था तथा बिना अस्त्र उठाए सभी पर विजय पा लेता था। प्रह्लाद के स्वभाव के कारण वो देवता तथा दानवों दोनों में प्रिय हो गया था। जब प्रह्लाद बड़ा हुआ तब उसका विवाह धृति नामक स्त्री से हुआ। इस प्रकार प्रह्लाद की पत्नी का नाम धृति था, जिससे उसे विरोचन नामक पुत्र हुआ। विरोचन के पुत्र का नाम बलि था, जिसका मान भंग भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर किया था। प्रह्लाद के दानवीर व्यवहार के कारण एक दिन इंद्र ने प्रह्लाद के साथ छल किया। उसने प्रातः काल के समय ब्राह्मण वेश में प्रह्लाद से उसका शील अर्थात राज्य मांग लिया। इस कारण प्रह्लाद के हाथों से संपूर्ण राज्य चला गया। इससे क्रुद्ध होकर दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। बाद में प्रह्लाद के पास पुनः अपना राज्य आ गया तथा उसने अपने पुत्र विरोचन को राज्य का भार सौंप दिया तथा स्वयं मोक्ष प्राप्त करने के लिए चले गए। इस प्रकार प्रह्लाद ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान विष्णु की भक्ति सदाचार तथा धर्म की स्थापना करने में बिताया। प्रह्लाद के इसी व्यवहार के कारण ही वो दैत्य कुल में जन्म लेने के पश्चात भी भगवान विष्णु का सबसे प्रिय भक्त था। जय श्री कृष्ण।